तो आज हम बात कर लेते हैं ईआर डायग्राम के बारे में। ईआर डायग्राम क्या बनता है? किसी डाटाबेस का एक ईआर डायग्राम बनता है। तो ईआर डायग्राम एक्चुअली होता क्या है? अब देखोगे गूगल वगैरह पर तो हम सर्च करके देख लेते हैं ईआर डायग्राम हाउ टू ड्रॉ। इसमें बहुत सारी साइट हैं, मैंने पढ़ के देखा। इसमें ये क्रिएटली करके है एक, ठीक है? तो ये मुझे मतलब काफ़ी सही लगा, इसमें काफ़ी डिटेल में बता रखा है। यहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ईआर डायग्राम होता क्या है। ईआर डायग्राम मॉडल इन डाटाबेस डिज़ाइन। ईआर डायग्राम क्या है? जैसे हमारे पास एक डाटाबेस है, एक डाटाबेस में बहुत सारी टेबल होती हैं, तो वो टेबल एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं तो वो हमें ईआर डायग्राम प्रेजेंट करके बताता है। ईआर डायग्राम डाटाबेस को बनाने से पहले हम अपना ईआर डायग्राम क्रिएट करते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि हमारा डाटाबेस कैसा दिखने वाला है। जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं ऑनलाइन कंप्लेंट एंड मैनेजमेंट का, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, हमारा एक यूज़र होगा, यूज़र कुछ कंप्लेंट वगैरह कर रहा होगा। कोई मतलब कंप्लेंट किसके रिलेटेड होगी ये अभी हमें ध्यान नहीं देना। सिंपली कोई भी कंप्लेंट कर रहा है हमारा एक यूज़र, एक यूज़र की टेबल होगी, ठीक? एक हमारा कंप्लेंट की टेबल होगी, जिसमें कंप्लेंट की टेबल में क्या क्या जा रहा होगा, यूज़र की आईडी जा रही होगी जो कर रहा है कंप्लेंट, और उसकी कंप्लेंट क्या है वो जा रही होगी। अब उसे मैनेज करने के लिए हमारे पास एक एडमिन होगा, ठीक है? एक एडमिन की टेबल होगी, उस एडमिन की टेबल में हमारा रिप्लाई कर रहा होगा एडमिन उस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग। कि मान मान के चलो, सपोज किसी ने कुछ कंप्लेंट करी कि हमें इस साइट में ये बग मिला है, आप इसे फिक्स कर दीजिए, ठीक? तो अब जो भी हमारा एडमिन है वो इस उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा, ठीक है हमने ये बग फिक्स कर दिया है, या फिर आप हमें और डिटेल में बताइए कि इस बग ये बग किस वजह से आ रहा है, या क्या करते टाइम ये बग आया। जो भी है उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा। तो इसमें चार तरीके की टेबल बनेंगी, तो हम इसी को उठा लेते हैं, इसी के ऊपर एक ईआर डायग्राम बना के देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, होपफुली आप उसका ईआर डायग्राम बना पाएंगे, और नहीं भी बना पाए तो मैं आपको फुल उसका दे दूंगा ईआर डायग्राम बना हुआ, आप अपना बनाकर उसमें से चेक कर सकते हैं। ईआर डायग्राम सबका अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है सबका सेम क्रिएट हो, किसी का भी किसी भी डिज़ाइन में हो सकता है। लेकिन हम अपना फर्स्ट डिज़ाइन बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊँ, इसमें दिखा रखा है कि इस तरीके से कुछ ईआर डायग्राम टेम्पलेट्स, कुछ इस तरीके से हमारा ईआर डायग्राम होगा। ईआर डायग्राम में सिंबल वगैरह होते हैं, तो हम सिंबल वगैरह या जो भी उसकी एंटिटी है उन सबको डिस्कस करते चलेंगे बनाते टाइम, ठीक है? तो शुरू कर लेते हैं। ईआर डायग्राम बनाने के लिए मुझे सबसे सही लगा ड्रॉ डॉट आईओ। ये एक साइट है जो ईआर डायग्राम बनाने के लिए फ्लो चार्ट मेकर है एंड ऑनलाइन डायग्राम सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो ये लोड होता है, इतने हम बात कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया लोड। तो यहाँ पर आप इसमें कहीं भी ड्राइव में सेव कर लीजिए, अपने डिवाइस में सेव कर लीजिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो हम क्रिएट करते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के लिए जो भी हमारा मतलब एक तरीके से एंटिटी टाइप है, ओके ओके, तो मैंने एक इमेज उठाई है कॉन्सेप्ट डॉट डॉट कॉम से, इस वाले लिंक से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देना चाहिए रहेगा था। इसमें ये इमेज इसके सिंबल के बारे में बता रखा है कि क्या क्या सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको दिखाने के लिए ये मैंने इमेज उठाई है, इमेज मुझे काफ़ी सही लगी, ठीक है? इसमें देख लेते हैं, एक एंटिटी होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। एंटिटी जैसे कोई भी यूज़र है एक, फिर उसमें एडमिन है, तो वो सब एंटिटी है। एट्रीब्यूट उनमें जो कोई रिपोर्ट कर रहा है, यूज़र की आईडी है, यूज़र का नेम है, तो वो सब उसके एट्रीब्यूट होंगे। वीक एंटिटी आती हैं, फिर की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट जो डिसाइड करती हैं जैसे यूज़र की आईडी जो यूनिक होनी चाहिए, जो उसे रिप्रेजेंट करती हो। हमें अगर सेलेक्ट करना है तो यूज़र हम कैसे करेंगे, उसकी आईडी लेकर करेंगे, तो वो उसका की एट्रीब्यूट है। अब जैसे रिलेशनशिप क्या होती है, यूज़र और एडमिन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, नहीं, यूज़र और रिपोर्ट वाले डाटाबेस के बीच में क्या है रिलेशनशिप, तो यूज़र सबमिट्स रिपोर्ट, ठीक है? तो रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में, यूज़र सबमिट करेगा, सबमिट सबमिशन का उसमें रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से ये सब हम अभी देखते चलेंगे। तो हम शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ पर एक एंटिटी बना लेते हैं यहाँ से उठाकर, ओके। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं अपना एक रेक्टेंगल, ठीक, एक एंटिटी बना लेते हैं। एंटिटी किस नाम से बनेगी, यूज़र नाम से बना लेते हैं। और टेबल जो बनना होगा हमारा पीएचपी वगैरह में बनना होगा, आपने पढ़े लिया होगा टाइटल, तो ओ माई एसक्यूएल में, सॉरी पीएचपी माई एसक्यूएल में टेबल बननी होगी हमारी, तो ठीक है। ईआर डायग्राम तो हमें बनाकर हम किसी में भी देख सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा एक्चुअल, वो मैं उसमें माई एसक्यूएल में बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है? तो यूज़र है, थोड़ा इसका साइज़ कम कर लेते हैं,
एक इसकी एंटिटी होगी यूज़र आईडी, इसे कॉपी करके पेस्ट। एक इसकी एंटिटी होगी यूज़र नेम, इसे कॉपी करके पेस्ट। एक ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो देखेंगे, अभी तीन रखते हैं। इसमें लिख लेते हैं अभी यूज़र आईडी, ये की एट्रीब्यूट होगा। थोड़ा इसका साइज देख लेते हैं, ये डॉट डॉट वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारा की एट्रीब्यूट। इसे यहाँ पे लगा लेते हैं, डॉट डॉट वाली लाइन करती है या पूरी लाइन? अच्छा पूरी लाइन करती, सॉरी, तो पूरी लाइन लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। इससे हम लगा लेंगे यहाँ पर, इसे लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, यूज़र आईडी हो गया, और क्या था? यूज़र नेम, यूज़र नेम, यूज़र नेम, ओके। तो इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है यार, इसका ये मुझे लाइन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, लाइन बदल लेते हैं, कहाँ से होगा? अच्छा यहाँ से होगा, इसे नन कर देते हैं। हो गया क्या? अब भी नहीं। अच्छा ये नन कर देते हैं, ठीक है। इससे मतलब स्ट्रेट लाइन आती है तो मुझे काफ़ी सही लगती है, उसमें थोड़ा कर्व नहीं आता। ठीक है, मर्जी आपकी, चॉइस भाई अपनी अपनी। ठीक है, इसे यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। यूज़र नेम इसका एक एट्रीब्यूट हो गया, अभी फ़िलहाल के लिए इसे डिलीट कर देते हैं। यूज़र क्या करेगा? यूज़र कोई भी रिपोर्ट करेगा। ओके ब्रो, ओके, ऑलरेडी कनेक्टेड। ठीक है, यूज़र क्या करेगा? यूज़र करेगा भाई रिपोर्ट, थोड़ा इसे ढल जाते हैं। रिपोर्ट नाम का हमारे पास डाटाबेस होगा। अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, ठीक है। पहले रिलेशनशिप बताते हैं हम यूज़र का और रिपोर्ट का। देखो इसमें क्या है, अगर आपको आता है ड्रॉ डॉट आई ओ करना तो ठीक है, मतलब मैं बता देता हूँ। यहाँ भी ये कनेक्ट करना पड़ता है, अगर मैं इसे रिप्लेस करता ना, यहाँ से हटाता, तो ये इसके साथ नहीं, ऐसे साथ नहीं खिंचती इसके लिए, तो वो मुझे चाहिए। तो मैं इसे ऐसे, मतलब जब तक क्रॉस नहीं आ जाए तब तक ऐसे करते रहना। देखो जैसे यहाँ पे क्रॉस आ गया ना, दिख रहा हो तो आपको, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, दिख रहा हो तो यहाँ पे क्रॉस आ गया ना, तो ये मुझे सही लगता है। यूज़र सबमिट्स रिपोर्ट, सबमिट्स, ओके। तो यार इसका साइज़ भी इसी के हिसाब से कर लेते हैं, सही रहेगा। रिपोर्ट में क्या क्या होगा? रिपोर्ट में होगी रिपोर्ट की आईडी, रिपोर्ट में होगी रिपोर्ट की आईडी, और यूज़र की आईडी होगी, और रिपोर्ट का कंटेंट होगा, और क्या होगा? रिपोर्ट को हमने कराया है रिप्लाई या नहीं, ये भी देख सकते हैं हम, क्योंकि रिप्लाई कराया तो 0-1 से कर सकते हैं, रिप्लाई नहीं करा तो 0, रिप्लाई कर दिया तो 1, कुछ ऐसा। चलो देखेंगे, है ना, अभी मैं आपके साथ ही बना रहा हूँ इसे, देखते हैं। रिपोर्ट आईडी, रिपोर्ट आईडी, अच्छा ठीक है भाई, बड़ा हो जाए तो एक्चुअली इसे स्मॉल ही रखते हैं। रिपोर्ट आईडी, अब सही लग रहा है, थोड़ा इसे छोटा कर लेना। अब यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जा, जिस यूज़र ने करा है रिपोर्ट वो भी ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, रिपोर्ट कंटेंट, रिपोर्ट, रिपोर्ट कंटेंट। अरे भाई साहब आप बड़े हो जाओ थोड़े से, ओके ओके ब्रो, ओके। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी और देखेंगे क्या आता है यार, ऐड तो कर सकते हैं ना, अपना ही है, कभी भी ऐड कर लो, दिक्कत वाली बात क्या है। अब एडमिन का बता देते हैं, एडमिन का रिलेशनशिप क्या होगा? एडमिन मैनेज करेगा जितनी भी रिपोर्ट है, ठीक। तो यहाँ पे मैनेजेस, मैनेजेस,
अभी यार मैं दो ही सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ ना, तीन सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? कौन कौन से? एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन। अभी जो इसमें हम डिसाइड करेंगे वीक एंटिटी कौन सी है, की एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर रहे हैं, और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कौन सा है, लेकिन अभी सिंपल रखते हैं ना, अभी सिंपल बनाते हैं, लास्ट में देखेंगे इसे क्या करना है, कौन कौन सी एंटिटीज़ को बाकी में बाद में चेंज करना है। तो अभी कम से कम हमारे पास कुछ सामने आए ना बनकर, तो वो थोड़ा ठीक रहेगा जितना जल्दी हो सके। राइट टू कॉपी पेस्ट। ओके ओके, ये ज़्यादा सही लग रहा है यार, इसे थोड़ा यार नीचे कर देते हैं, और इसे थोड़ा यहाँ से हटा कर इसके सेंटर। अरे बढ़िया भाई बढ़िया, एडमिन और क्या, थोड़ा कैपिटल रखते हैं सही लगेगा, एडमिन और रिपोर्ट्स, एडमिन मैनेजेस रिपोर्ट्स, और एडमिन के अंदर क्या क्या होगा, थोड़ा इसका साइज़ कम कर लूँ क्या? ओके, तो एडमिन के अंदर एक होगी एडमिन की आईडी, एडमिन की आईडी और क्या होगा, और क्या होगा एडमिन के अंदर, क्या यहाँ पे रखना ही पड़ेगा जीरो वन वाला, कि एडमिन ने मैनेज कर दी है तो वो अपने आप ज़ीरो कर दे, और एडमिन ने मैनेज नहीं करी तो एडमिन ने मैनेज कर दिया तो वन कर दे, और नहीं करी तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो रहे, उसमें कुछ ऐसा एक रखना पड़ेगा, ठीक है? तो रिपोर्ट क्या क्या नाम होगा इस वाले कॉलम का, जिसमें हम चेक कर सकेंगे एडमिन ने करा ही नहीं करा। रिपोर्ट कन्फर्म्ड या रिप्लाइड, सप्लाई स्टेटस रखते हैं यार, स्टेटस, ठीक है? रिपोर्ट का स्टेटस क्या है, ठीक है? उसका रिप्लाई कर दिया या सबमिट हो गई आपकी रिपोर्ट, तो वो रखते हैं, ठीक है? स्टेटस, और यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एडमिन आईडी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पे कर लेते हैं एडमिन। अच्छा, एडमिन आईडी हो गया क्या, इसमें एडमिन आईडी आएगी, एडमिन नेम रख लो, और क्या होगा इसमें, और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा। देख लो यार, आपको मतलब आपके जो नीड है उसके हिसाब से एडमिन में आप और कुछ रखना चाह रहे हो, एडमिन का पासवर्ड रखना चाह रहे हो, है ना, और एडमिन की ईमेल आईडी रखना चाह रहे हो, यूज़र में पासवर्ड रखना चाह रहे हो, यूज़र की ईमेल आईडी, ये तो मैं आपको डमी बना के दिखा, अपनी नेसेसिटी के हिसाब से जितनी रो जितनी कॉलम जितने एट्रीब्यूट आपको लगाने हैं हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ हार्ड हमने बनाना नहीं है, और क्या होगा, इतना ही होगा। इसमें भी छोटा सा ही लिया है हमने, इसमें रिपोर्ट कंप्लेन वगैरह लिया है, इसमें कंप्लेन कर लेते हैं यार, इसमें हमारा प्रोजेक्ट का नाम ही कंप्लेन मैनेजमेंट है ना, तो यूज़र कंप्लेन एडमिन रिपोर्ट सबमिट करेगा, एडमिन उसे मैनेज करेगा, ठीक है? क्या बन गया इसमें, और क्या था, अरे हाँ मैं सॉरी भूल गया, वीक एंटिटी, और ये देख लेते हैं क्या होता है। तो यार कुछ नया नहीं, देखो मान के चलो मुझे भी नहीं आता, ठीक है? तो वैसे चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं वीक एंटिटी, वीक एंटिटी इन ईआर डायग्राम, ठीक है? क्या होती है वीक एंटिटी, इन व्हाट इज वीक एंटिटी, एन एंटिटी टाइप शुड हैव अ की एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच आइडेंटिटी इन आइडेंटिटी सेट, बट देयर एग्जिस्ट सम एंटिटी टाइप फॉर विच की एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिफाइन, दीज आर कॉल्ड वीक एंटिटी आईडी, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है वीक एंटिटी आईडी। जैसे मान के चलो, मान के चलो हमारे पास एक शॉप है, अब दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, मान के चलो एक शॉप है, एक मतलब हमारे पास ऐप है जिसमें एक शॉप अपना कुछ आइटम उस ऐप पर डालना चाहती है, तो उस की प्राइम मान के चलो दो की है हमारे पास, एक प्राइमरी की है एक सेकेंडरी की है, प्राइमरी की ये बताएगी कि किस शॉप से वो है, मतलब किस शॉप में वो आइटम है, और उस जो सेकेंडरी की होगी वो उस आइटम की होगी जो उस आइटम को बताएगी, समझ रहे हो ना? पहली की क्या होगी, पहली की शॉप की आईडी होगी जो बताएगी कि किस शॉप में ये आइटम है, और दूसरी की क्या होगी, उसकी अपनी आईडी होगी आइटम की, वो बताएगी कि ये आइटम को हम मतलब कैसे सेलेक्ट करें, वो आइटम यूनिक होगा, उसकी यूनिक आईडी होगी वो जो सेकेंडरी
होगी आईडी, ठीक है, एक प्राइमरी आईडी, एक सेकेंडरी आईडी। जो प्राइमरी आईडी होगी वो शॉप की होगी ना, एक आइटम के लिए। सपोज मान के चलो, थोड़ा सा एक बना के देख लेते हैं हल्का सा। ये एक शॉप है, ठीक, ये एक शॉप है, शॉप आई क्या कर रहा हूँ, एक ये शॉप है, एक ये यहाँ पर क्या है आइटम, एक आइटम है, ठीक है। इसमें कुछ रिलेशन होगा, रिलेशन अभी दिखाते नहीं है, या दिखा देते हैं यार, कुछ लोग कहेंगे भी रिलेशन नहीं दिखाया, ठीक है, इसका कुछ रिलेशन होगा। शॉप कंटेन्स, कंटेन्स शॉप में होंगे आइटम, ठीक है। अब इस शॉप की क्या होगी, शॉप की एक शॉप आईडी होगी यहाँ पर, इसकी कुछ शॉप आईडी होगी, ठीक है। इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। और अब इसकी आइटम की क्या होगा, आइटम का एक आइटम आईडी होगी, आइटम आईडी। और क्या होगा, अरे भाई कॉपी हो जा, अरे बहुत बढ़िया, क्या हो रहा है, आइटम आईडी होगी। और क्या होगा इसका, एक इसमें शॉप आईडी भी होगी, शॉप आईडी भी होगी इसमें। देखो तो ये क्या करेगा, एक इसकी शॉप, ये जो शॉप आईडी होगी इस आइटम इस आइटम में, ये बताएगी कि ये किस शॉप में है, ठीक है, किस शॉप में। हमने एक डाटाबेस बनाया, उसमें हमने एक शॉप बनाई अलग, उसमें शॉप की डिटेल है, शॉप का नेम, शॉप का बैनर, शॉप की इमेज और जो भी है उसमें, ठीक है। और एक हमने बनाई आइटम, आइटम की टेबल, तो उसमें आइटम में हम कैसे बताएंगे आइटम में कि ये आइटम किस शॉप में है, तो उसमें हम एक शॉप आईडी डालेंगे, कि शॉप आईडी बताएगी कि ये इस, ये वाला जो आइटम है ये इस शॉप के में है। और एक आइटम आईडी होगी, वो उस आइटम की आईडी यूनिक होगी। ये जैसे मान के चलो, हमें ये अपने ज़्यादा आगे की बात हो जाएगी वो, लेकिन तो समझ रहे हो ना यार, आइटम आईडी होगी उस आइटम के लिए अलग, और ये शॉप आईडी बताएगी कि किस शॉप से रिलेटेड है। सिंपल है यार, कुछ अगर नहीं आया समझ दोबारा रिपीट करके देख लो, ठीक है। तो ये मतलब यही था। तो इसमें हम, इसकी ये वीक एंटिटी है, समझ गए, इसमें एक प्राइमरी की है, एक सेकेंडरी की है। इसकी प्राइमरी की कोई अपनी नहीं है, जो पहले से ही शॉप की प्राइमरी की थी वही प्राइमरी की इसकी है। तो ये यहाँ पे अलग बनाने की जगह, हम इसे अलग दिखाने की जगह डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं, हो गई हो गई हो गई, हम यहाँ पे कर सकते हैं ये, इसे डिलीट कर दो, इसे लगा दो, यहाँ पे कर सकते हैं आइटम। अभी अब ये जो है, ये वीक एंटिटी है, अपने आप बता देगी कि इसमें इसकी शॉप आईडी भी है, इसी के अंदर इसकी शॉप आईडी भी आती है, इसकी प्राइमरी की जो है, इसकी प्राइमरी आईडी जो है वो शॉप आईडी है, और इसकी ये जो सेकेंडरी है, जो यहाँ पर आप देखो वीक की एट्रीब्यूट, जो सेकेंडरी आईडी है वो आइटम आईडी है। तो ये हम दिखा देते हैं यहाँ पर, अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो, अगर है सेकेंडरी की भी तो इसे यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेना यार, समझ गए ना, मुद्दा समझाना था, समझ गए। तो यही है, अभी इसे हटा देते हैं यार, रहने ही देते हैं, बाद में हटा देंगे, ठीक है। तो इसमें देख ले हमें क्या चाहिए, किस यूज़र ने करी है, यूज़र आईडी आएगी ना इसमें। तो ये हमें हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसकी जगह क्या लगा दूँगा, मैं इसकी जगह ये लगा दूँगा, यहाँ से कंप्लेन हटा देते हैं। अरे भाई, अरे भाई कहाँ जा रहा है भाई, अरे भाई साहब कंट्रोलर जड़ कर लो, ठीक है। क्या था इसका नाम, रिपोर्ट था, कंप्लेन था शायद, कंप्लेन था ना, कंप्लेन कैपिटल देखो सही रहेगा, कंप्लेन, ठीक है। इसकी ये सेकेंडरी हो जाएगी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, अरे मैं गलत ले रहा हूँ क्या, ये वाला लेना चाहिए ना, हाँ ये वो डॉट डॉट था, स्लैश 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 बताता है हमारा। अरे भाई हो जा कनेक्ट, हो गया, उठ गया, हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो यही था, और देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया ना, मैंने जस्ट, ठीक है, हमने एक वीक एंटिटी बना दी, ये एट्रीब्यूट ये सब हो गया, रिलेशनशिप वीक के एट्रीब्यूट हो गया,
डेराइव्ड एट्रीब्यूट की यार इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब मेरे हिसाब से डेराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसा होता है, जैसे मान के चलो हमारे पास एज है, ठीक। अब हमें एज क्या है, एज का हम डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकते हैं। हम किसी की डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं अपने डाटाबेस में, तो उसकी एज आज के साल में से माइनस कर दो उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो उसकी एज पता लग जाएगी। तो एज एक डेराइव एट्रीब्यूट है दूसरे एट्रीब्यूट से, तो मेरे हिसाब से तो इसमें होना नहीं चाहिए कुछ ऐसे। यार लगा लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा करो, लो लगा लो एज, लगा लो, लो एज लगा लो। लेकिन यार चलो रहने दो, एज मत ही लगाओ, मतलब समझ गए ना यार, ऐसे डेट स्लैश 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 वाला सर्कल होगा उसमें, और ये होगा, मैं दे दूंगा इमेज का सोर्स नीचे, देख लेना उसमें से। और ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जिसकी मतलब बहुत सारी वैल्यू हो सकें, जैसे कि यहाँ पे ही हो जाएगा क्या, ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमारा स्विगी ऐप होता है, ठीक है, स्विगी ऐप तो चलाया होगा, जोमेटो होगा भाई बड़े लोगों, ठीक है, तो जोमेटो चलाया होगा, तो उसमें क्या होता है, हम बहुत सारे एड्रेस दे सकते हैं ना, एड्रेस वन, एड्रेस टू, एड्रेस थ्री। अब बाद में हमें सेलेक्ट करना पड़े वो हमारी चॉइस है, लेकिन अभी तो हम एड्रेस बहुत सारे दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे हमारा जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, अब हम यहाँ पर कैसे दिखाओगे भाई, ए आर डायग्राम में एड्रेस वन दिखाओगे, एड्रेस वन, एड्रेस टू, ऐसे कब तक लिखते रहोगे, वो तो यूज़र की चॉइस है ना, कितने भी एड्रेस आ गए हो। तो इसके लिए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, मतलब वो दिखाता है कि आपकी जो वैल्यू हो सकती है मल्टीपल वैल्यू हो सकती है इसमें, तो उसके लिए ये होता है, ठीक है। तो एड्रेस, एड्रेस ए डबल डी आई डबल एस, ठीक है, तो शॉप का एड्रेस ले लो, शॉप कहाँ कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है यार, शॉप का एड्रेस रख लो, ठीक है, मतलब समझ गया ना, किसी यूज़र के लिए रख लो, शॉप के लिए रख लो, एड्रेस बहुत सारे हो सकते हैं, एड्रेस वन, एड्रेस टू, एड्रेस थ्री, बाद में हम उसे या तो उनका नेम चेंज कर, जैसे एक होम है, एक ऑफिस वगैरह कर लेते हैं हम, और एक अपना दोस्त के घर का कर लिया, भाई मैं दोस्त के घर पर मंगाऊँगा खाना, तो ऐसा कुछ भी कर लो, मर्जी है, ठीक है, ठीक है। ये सब हो गया, ये जो मैंने छोड़ दिया इन पर ध्यान मत दो, ये फालतू की चीज़ें, मतलब फालतू की नहीं है, ठीक है, काम आ सकती है, लेकिन अभी बेसिक चल रहा है तुम्हारा, इतने में हो जाएगा काम, ज़्यादा एडवांस चाहोगे तो, और एक नया बढ़िया सा प्रोजेक्ट और पूरा ई कॉमर्स वाला भी चाहिए रहेगा, तो मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना, मैं ई कॉमर्स साइट का बना दूंगा एक ईयर डायग्राम, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये जो लाइन लाइन तीर कमान से जो है, ठीक है, तो देखो यहीं पे देख लेते हैं फिलहाल, तो ये वाली लाइन क्या करेगी, अरे यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, एक ही यूज़र सबमिट कर सकता है क्या कंप्लेन, यूज़र तो कितने भी सबमिट कर सकते हैं ना कंप्लेन, तो उसी के लिए होता है, ये कहाँ गया, इसमें तो होगा नीचे, ये रहा, ये लो तीर कमान वाला सिंबल, मतलब मैनी मैनी यूज़र कैन सबमिट कंप्लेंस, मैनी यूज़र कैन सबमिट कंप्लेन, ये मतलब दिखाता है कितने कर सकते हैं, मैनी वन, वन के लिए ये खाली ये वाला स्लैश सा होता है, ये वाला स्लैश खाली, अगर ये मैं तीर का मंसा हटा दूँ तो ये वन हो जाएगा, ओनली वन कम्प्लेन वन, और ये है कि ये वाला ज़ीरो वाला कि मतलब ज़ीरो मोर देन ज़ीरो, ज़ीरो एंड मोर देन ज़ीरो, और ज़ीरो दो ऑन बॉस, ज़ीरो एंड मोर देन ज़ीरो के लिए होता है, यही है यार, इसका पता लग रहा है, इसका मतलब मैनी होता है, इसका आगे वन लगा दो वन एंड मैनी, इसका आगे ज़ीरो लगा दो ज़ीरो एंड मैनी, बस सिंपल। तो मैनी यूज़र कैन सबमिट कंप्लेन कितनी सबमिट कर सकता है यार, एक यूज़र एक टाइम पे एक ही कंप्लेन सेव कर सकता है, अरे भाई, तो इससे मैं कर देता हूँ एक कुछ ऐसा, ठीक है, और एक एडमिन है, एडमिन कितने रखोगे, बहुत सारे रखोगे, हाँ ठीक है यार, एडमिन बहुत सारे रख लो, ठीक है बढ़िया, एडमिन भी रख लो बहुत सारे यार, कम से कम एक एडमिन तो होना, वरना साइट कैसे काम करेगी, ये उल्टा लग गया क्या, अरे भाई ठीक है, इसे थोड़ा बदल लो, ऐसा कर लो, ठीक है, तो मैनी वन और मैनी एडमिन, ठीक, मैनेजेस मैनी कंप्लेन, एक एडमिन यार कितनी भी कंप्लेन संभाल लेगा, वो सब पे रिप्लाई दे देगा, उसकी मर्जी हुई तो, दिल की बात है भाई, उसके एडमिन है वो, क्या कर लोगे तुम उसका, ठीक है ठीक है। अभी टेढ़ा कैसा हो गया यार,
मुझे पसंद है भाई सीधी चीज, तो इसे कर लो। अरे हो जाए भाई, ठीक है। तो मैनी एडमिन मैनेजेस वन और मैनी कंप्लेंस, ठीक है यार, यही है, ये सब यही सिंबल है, मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया, आप देख लेना। बस तो बन गया, अब इसमें और क्या लोगे। अब मैंने ये आपको बना के दे दिया, अभी मैं टेबल बना के दिखा देता हूँ कि ये डाटाबेस में टेबल कैसे बनेगी माई एस क्यूएल की। क्या बना लोगे ना माई एस क्यूएल में टेबल, फिर भी मैं चलो बना के दिखा दूँगा। तो ठीक है, तो ये बन गया यूज़र कंप्लेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक आप बना के देखो खुद, वो काफ़ी बड़ा है, मैंने बना रखा है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा उसकी कैसे बनेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, लिंक वगैरह पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा तो ध्यान दिला देना। आपको बनाना है क्या, एक मान के चलो एक क्या बनाओगे, दारू बेचने वाली दुकान, मतलब एक बूस्ट शॉप है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक एडमिन होगा, एक सुपर एडमिन होगा, एक हमारी शॉप होगी, उस शॉप में कुछ आइटम होंगे, वो आइटम को क्या कर सकता है, एक यूज़र होगा, यूज़र आइटम्स को ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर करने के बाद उसकी ट्रैक मतलब ट्रैकर एक ओपन होगा, या पहले उसकी पेमेंट ऑप्शन ओपन होंगे, वो पेमेंट वगैरह करेगा अपना, फिर उसका एक ट्रैकर ओपन होगा, जैसे हमने देखा होगा स्विगी वगैरह में, पूरा स्विगी बना रहे हैं बस अलग बूज के लिए, ठीक है। तो एक ट्रैकर ओपन होगा, वो ट्रैक कर सकता है उसका ऑर्डर कहाँ तक आया, एक शिपिंग के लिए जो शिप कर रहा होगा उसका जो मतलब जोमेटो वाले आते हैं ना घर घर देने, तो वही एक वो होगा। और क्या होगा उसमें, एक सुपर एडमिन होगा जो सारे सबको मैनेज करेगा कि कोई स्पैम वगैरह तो नहीं कर रहा कुछ, या किसी उसे कोई आइटम डिलीट करना हो, उसे सही नहीं लग रहा भाई ये तूने हमारी साइट से रिलेटेड कुछ खाने का आइटम डाल दिया, ये तो बूज शॉप है, बूज का ऐप है, तो तू यहाँ नहीं डाल सकता, तो हम डिलीट कर देंगे उसे, तो वो था मतलब सुपर एडमिन को अथॉरिटी वगैरह होगी वो होगा। और एक एक ऐसा कर सकते हैं हम, शॉप शॉप है ठीक है, शॉप एक अपनी कंपनी है हमारी, उस कंपनी की हम बहुत सारी शॉप खोल सकते हैं जगह जगह, और उन शॉप में हम आइटम दे सकते हैं, समझ रहे हो, एक तरीके से क्या होगा, कंपनी होगी फिर उसके वेंडर्स होंगे और उसमें आइटम्स होंगे। तो ये मैंने पूरा बना रखा है, या बना जो मैंने चेंजेस बताए, चलो मैं दोबारा बना दूंगा, मैं नया जो आपको बना के दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, ये आप बना के देखना अगर फ्री हो तो, या आपने कुछ अर्जेंटली कर रहे हो तो अपना बना के देख लेना, मर्जी है भाई। तो ठीक है, अभी मैंने ये बना दिया, मैं इसे भी दे दूंगा चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में। और अब हम बात कर लेते हैं टेबल बनाने की, कि ये टेबल कैसे बनेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो जैम्प है तुम्हारे पास, तो ठीक है बढ़िया है, उसी में बनाएंगे। खोल लेता हूँ मैं जैम्प, और नहीं है तो यार डाउनलोड कर लो सही रहेगा, कुछ नहीं है जाकर गूगल पर सर्च मारो जैम्प डाउनलोड, जैम्प विंडोज 64 के लिए करो डाउनलोड, एक हटा दूँ ठीक है ना, ठीक है। अरे भाई ये खुल क्यों नहीं रहा, ठीक है खुल गया खुल गया खुल गया। तो इसमें बनाएंगे, ये कुछ पहले से मेरी टेबल पड़ी है, इन पर ध्यान मत दो। तो ठीक है, तो इसी में बना लेते हैं, क्या है हमारा यूज़र कंप्लेन एडमिन, तीन बनेंगे देख लो, यूज़र बनेगा, कंप्लेन बनेगा, एडमिन बनेगा। तो यार न्यू बना लेते हैं, डाटाबेस का नेम क्या रखोगे, क्या था, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, तो यार कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम ही रख लेते हैं, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, मजे यार कुछ भी रख लो, छोटा सा रख लो, सीएमएस रख लो, यार सीएमएस सही लग रहा है ना, छोटा छोटा सा भी, तो ये रख लेते हैं सीएमएस, सिस्टम भी रख देता हूँ यार आगे, मुझे पता है एससी सिस्टम ही है, लेकिन SYSTM सही लग रहा है, ठीक सही लग रहा है। क्रिएट टेबल, ओके ब्रो, इसे थोड़ा मैं कर लिया था, इसे लिख देना, क्रिएट टेबल, टेबल क्या यूज़र, क्या जूम हो जाता है क्या, हो जाता है, यूज़र यूज़र रख लेते हैं टेबल का नाम, इसमें कितने आईडी और यूज़र नेम, या पासवर्ड भी रखोगे क्या, ठीक है यार रख लो पासवर्ड, क्या दिक्कत है, सही लगेगा थोड़ा यूज़र ऑथेंटिकेशन वगैरह में। ओके ओके आई अंडरस्टूड ब्रो, यहाँ से इसे हटा दो, इसे नन कर दो, वरना जब भी लाइन खींचेगी ना, अरे यार जब भी लाइन खींचेगी तो ये इसमें दिखाई गई, तो इस तरह कर लो पासवर्ड, ठीक है ठीक,
ठीक है, तू हो जा। अब तुम यार साइन अप सिस्टम बनाया, साइन अप का बना लो यार एक अलग से। यहाँ पर इसमें क्या लगाओगे? नहीं यार, कंफर्म पासवर्ड थोड़ी ना रखोगे डाटाबेस में, यही बनेगा साइन अप का। तो वो तुम्हारा अपना जो करोगे तुम बीकॉम में कोडिंग वगैरह उसमें जाएगा, ये इसमें इतना ही रहेगा। इसमें क्या आएंगे? इसमें तीन आएंगे भाई, कॉलम तीन आएंगे इसमें। गो गो, क्या क्या आएगा? यूज़र आईडी आएगी इसमें, एक आएगी यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में क्या आएगा? यूज़र आईडी को कर दो तुम यहाँ पर थोड़ा सा, मैं इसमें दिखाऊँ, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इंटी रहेगा। अब बनाई है ना टेबल तो पहले पीएचपी वगैरह में, मैं तो बस डेमो दे रहा हूँ, नहीं बनाई तो बता देना यार, इसका भी अलग बना दूँगा। वैसे यार तुम आए हो यहाँ तो मतलब मेरे हिसाब से तो आई, नहीं आई तो यार कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये सब मुझसे तो नहीं आती हो, अब कैसा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यूज़र नेम हो गया, और कहता पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड टेक्स्ट ही रख दो कि क्या रखोगे? और टेक्स्ट रख लो अपनी मर्जी है यार, कैसे ही रख लेना तुम, एनकोड करके रख लेना, कैसे ही रख लेना। ठीक है, तो ये तो चल जाएगा इतने में काम, सेव कर देते हैं और क्या, सेव हो जा भाई तू। ठीक है ना, बढ़िया। अब इसमें एक और बना लेते हैं, क्या बनेगा? कहाँ गया? कंप्लेन, कंप्लेन नाम का बना लेते हैं, कंप्लेन, कंप्लेन। इसमें यार ठीक है, देख लो भूल मत जाना यार, वो वीक एट्रीब्यूट है, तो ये शॉप वीक एंटिटी है, तो यहाँ पे इसमें शॉप आईडी भी आएगी, शॉप आईडी आएगी, रिपोर्ट आईडी आएगी जो इसकी होगी। यार रिपोर्ट आईडी करें या कंप्लेन आईडी सही रहेगा, अभी उसमें करता हूँ चेंज। कंप्लेन आईडी रहेगी, एंटी रहेगी, कंप्लेन लेन आईडी, आईडी इसे कंप्लेन कंटेंट कर देते हैं, कंप्लेन कंटेंट। थोड़ा बड़ा हो जा भाई, ठीक है, कंप्लेन आईडी, कंप्लेन कंटेंट। और क्या होगा? और क्या होगा? और होगा ये इसमें स्टेटस, स्टेटस ब्रो, स्टेटस, स्टेटस यार कंप्लेन कंटेंट होगा टेक्स्ट, स्टेटस होगा इंट 01 वाला, जो एडमिन मैनेज करेगा। रिपोर्ट का रिप्लाई दे दिया है, कंप्लेन का रिप्लाई दे दिया है तो होगा 1, नहीं दिया है तो होगा 0। ठीक है, ठीक है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होंगी, ऑटो इंक्रीमेंट होंगी अपने आप। यार यहाँ पे अब ये मत कहना कि तुमने तो कोड लिख के नहीं, अरे भाई इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, देयर कैन बी ओनली 1। ओ हो, ओके ओके, अपने आप कर लेना यार। रिपोर्ट की क्या रखें? शॉप आईडी नहीं होगी यार, ऑटो इंक्रीमेंट ये होगी, ऑटो इंक्रीमेंट देखा। कर तो दिया भाई, देयर कैन ओनली बी 1 ऑटो कॉलम एंड दिस मस्ट बी डिफाइंड एज अ की। ओके ब्रो, ओके ओके, तो इसे पहले करूँ क्या करूँ? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस पी, कंप्लेन आईडी। ओके यार ये माई एसक्यूएल में है थोड़ा ऐसा ना, लेकिन अगर तुम मोंगो डीबी में करोगे यार, कहीं पे नोड वगैरह में करो, ओ नोड कह रहा हूँ, डायनोमो डीबी में करोगे तो उसमें ऐसा कर सकते हो तुम। सेव हो जा भाई, अब तो हो जा, क्यों नाराज, नाराज नहीं भाई, नाराज। अब एडमिन, और क्या बचा? एडमिन ही बचा भाई, तो एडमिन, एडमिन ADMIN, एडमिन, एडमिन में क्या क्या लोगे? एडमिन आईडी लोगे, एडमिन आईडी, ओके, अंडरस्कोर आना था मैंने, होता है होता है। एडमिन आईडी के बाद एडमिन नेम,
एडमिन नेम, यार इसमें एडमिन जैसे इसमें पासवर्ड रखा है ना, इसमें भी रख लो क्योंकि अब हमने लिए हैं बहुत सारे एडमिन, तो बहुत सारे एडमिन हम बना देंगे। यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ। एडमिन नेम, पासवर्ड, पासवर्ड एडमिन नेम का तो टेक्स्ट, पासवर्ड का तो टेक्स्ट। और भाई तू हो जा ऑटो इंक्रीमेंटल। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक ही है, सेव कर दो इसे, क्या दिक्कत है इसमें। बढ़िया हो गया, ठीक है तो यार हो गया ये। ज़्यादा तो इसमें ये 3 टेबल बनेंगे यार, एडमिन कंप्लेन यूज़र। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता तो तुम्हारा उसमें 10 10 11 11 टेबल भी बन जाती हैं, तो जैसे ये चिप वाला है, ठीक है तो इसमें देखो कितनी सारी टेबल हैं, तो यार उसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो अपने जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा बन जाता है ये। मैं अभी दिखाऊँ आपको या जो असाइनमेंट में दिया है या नहीं, ठीक है मतलब अब मैं दिखाया नहीं, दिखा रहा यार नहीं दिखा रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है उसमें से जाके देख लेना, काफ़ी बड़ा है वो, मुझे मतलब काफ़ी बड़ा लगा, सही लगा, उसमें जाके देख लेना। तो काफ़ी बड़े बड़े बन जाते हैं, काफ़ी छोटे भी बन जाते हैं, वो प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। तो यार आज के लिए इतना ही, तो अगर कुछ आपको और कुछ नया पूछना हो और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो बताना, डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ कमेंट में, और सही लगी हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर देना, वरना सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा है नहीं, और बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ दे देना, कमी निकाल लेना, मतलब कर देना जो करना है, ठीक है तो ख़त्म करते हैं, बाय 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 बाय।